व्हाट, आज लगा है शिमला में बहुत ज्यादा वाला ट्रैफिक। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता'स वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, रात का वक्त है, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं अभी वापस आ रही हूँ। एक्चुअली आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है शिमला में, देखो क्योंकि इट्स दिवाली, सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन लाइट्स देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिवाली इन शिमला दिस ईयर, आई एम नॉट गोइंग बैक टू होम, थोड़ा सा क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार यहीं पे रह जाती हूँ। मतलब बस में ट्रैवल करो, ऊपर नीचे जाओ, दैट गोना बी लिटल हेक्टिक, सो आई थॉट स्टॉप फॉर अ वाइल। और तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग क्योंकि मेरे पीछे से कोई आ रहे थे, उनको आगे निकलना था, तो मैंने स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, और मैं वैसे बस में थी बट मुझे बस ड्रॉप करनी पड़ी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था कि मैं पैदल जल्दी पहुँच जाऊँगी, और वो बस वैसे भी अभी भी ट्रैफिक में फंसी है और मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। मतलब आई एम अबाउट टू रीच, इन बिटवीन 10 to 15 minutes में मैं रूम पहुँच जाऊँगी। सो तो मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ कुछ इस तरह का ट्रैफिक है। ये तो वैसे भी लिंक रोड है बट स्टिल आज शिमला में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है ड्यू टू दिवाली, और आप लोग भी दिवाली में घर जा रहे होंगे ना, सो ट्रैफिक होना तो बनता है। सो ये देखो दिवाली की डेकोरेशन का सामान, आई एम नॉट गोना बाय एनीथिंग दिस ईयर बट दिस इज कूल। वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग, पीछे एक आंटी थी, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं वहाँ पर शॉप की चीज़ों के साथ थोड़ा सा खेल रही थी शायद इसलिए। और यू कैन सी आई एम होल्डिंग अ फ्लावर क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और मैंने सोचा था कि मैं दिवाली पे डेकोरेशन करूँगी अपने रूम में फ्लावर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, सो आई स्टोल दिस वन फ्रॉम वेयर आई यूज टू गो, यानी कि लाइब्रेरी से। ऑब्वियसली मैंने वहाँ से एक फ्लावर चुराया है, और मुझे लगा मुझे कोई डांट ना दे, इससे पहले ही मैं भाग जाती हूँ। और शिमला के बंदर कांट लेट यू लिव इन द नाइट एज वेल, देखो ऊपर छलांगे मार रहे हैं। कैन यू इमेजिन गाइज, वो बिल्कुल मेरे पैर के पास था बंदर। और शिमला के बंदर अगर आप लोगों को नहीं पता है कैसे हैं, तो दे आर हॉरेबल, दे आर टेरिफिक, मतलब और मैं क्या शब्द उनके लिए यूज़ करूँ मुझे नहीं पता, पर शिमला के बंदरों से रहिए सावधान। और मुझे नहीं पता आज मेरे अंदर इतना गट्स कहाँ से आया है। और फाइनली लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी है, ओके सो दिस वॉज द प्रॉब्लम, फाइनली वी फाउंड द प्रॉब्लम। यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर हो रही है लोडिंग और लोग दे रहे हैं गालियाँ इन्हें, ओहो सो सैड, देखो पेशेंस ही नहीं है लोगों में। अरे यार मैं कहाँ से घुसूँ। सो मैं तो ट्रैफिक से निकल आई, लेकिन जो लोग गाड़ी में हैं, बाइक्स पे हैं, वो लोग स्टिल दे आर स्टक इन ट्रैफिक। तो मैं तो निकल आई क्योंकि मैं पैदल चल रही हूँ ना, पैदल चलने के कई बार बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं व्हेन यू डोंट हैव एनी व्हीकल, तो आपको उस चीज़ के भी फ़ायदे मिल जाते हैं। देख सकते हो ना अभी मेरी हालत, मैं निकल गई वहाँ से, लेकिन यह है फ़ायदे आपके पास वाहन ना होने के। तो अभी मैं ना ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हूँ मेरी डेस्टिनेशन पे, और मैं आपको रात का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से काफ़ी प्यारा लगता है शिमला। सो देखो मेरी आई से नाइट व्यू, Not from my eyes, it's from my camera. So look at this beauty. मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको शिमला की ब्यूटी, जो वहाँ पे चमक रहा है ना, दैट इज एयरपोर्ट। और ये देखो सामने का नज़ारा, कभी अकेले में घूमने का मौका मिले ना, तो इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना शिमला में रह के। आज फाइनली मैं बाजार के बीच में पहुँच गई हूँ, और मैं आपको आज बाजार दिखाती हूँ। आज पक्का ना बहुत ही ज़्यादा जगमगा रहा होगा क्योंकि दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, सो ऑब्वियसली। तो हम पहुंच गए हैं बाजार के बीच में, और आई विल बी शोइंग यू फॉर श्योर, पर यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी तैयारी वाला सीन नहीं दिख रहा है कि कुछ भी यहाँ पर तैयारियाँ चली हैं दिवाली की, इट्स नॉट दैट मच लाइटन अप। ओके स्टिल आई फाउंड समथिंग,
नहीं चाहिए। सो गाइज, मैंने वहां से मिठाई नहीं ली जहाँ से मैं यूजुअली लेती हूँ, तो एक और शॉप है जहाँ से मैं वैसे अक्सर लिया करती हूँ। मतलब आई हैव टू ऑप्शंस, तो यहाँ पे कुछ कम लग रही थी मुझे, इट वाज लिटिल क्राउडी, तो मैंने सोचा वहाँ से लेती हूँ। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ उस वाली शॉप जो कि है सिटी पॉइंट। तो लेट्स सी वहाँ पे कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सो गाइज, यहाँ से मैं वैसे भी मिठाई लेके जाती हूँ, तो आप देख सकते हो दिवाली और फेस्टिवल के टाइम ना इन्होंने इस तरह से लगाया होता है स्टॉल टाइप, आई कैन से। तो मैंने अपनी चीजें ले ली हैं, आई एम गोइंग राइट नाउ। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी के घर मेहमान जाना है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। वो अभी चंडीगढ़ पहुंचे थे तो वो अभी रास्ते में हैं, वो अभी आएंगे और कल वो घर जा रहे हैं। तो मैं ये घर भिजवा रही हूँ मिठाई, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही, तो भैया जा रहे हैं, तो मैं सोची उनके हाथ में मैं ये मिठाई भिजवा देती हूँ घर के लिए, तो इसलिए मैंने ये मिठाई ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मंजिल की तरफ। मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ आज, आई डोंट नो आई एम लुकिंग प्रिटी और व्हाट। मतलब मुझे लड़के, तो चलो लड़के, लड़कियाँ भी घूर रही हैं यार, पता नहीं क्यों। आई थिंक या तो वो मेरी स्किल देख रही है कि ये लड़की अभी भी मोबाइल पकड़ के जो है वीडियो बना रही है, मे बी शायद इस वजह से, क्योंकि इतनी सुंदर तो मैं हूँ नहीं कि मुझे घूरे लड़कियाँ। मैं सोचूँ, मुझे ना इस वाले घर के पास ही बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कभी यहाँ से चुरा लूँ, लेकिन यार किसी के बाउंड्री के अंदर तो नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मुझे आज फ्लावर्स सच में चाहिए थे। तो चलो अभी भागते हैं, क्योंकि हम हैं थोड़ा सा लेट और घर वाले परेशान हो जाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ। तो अभी भागते हैं, चलो भागो। अब आगे से कोई आ रहा है तो मैं ना वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। वैसे इतना ज़्यादा करेज नहीं है मुझ में कि मैं लोगों के सामने भी शूट कर सकूँ, तो बट कभी कभी मैं कर लेती हूँ इतना करेज। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम की तरफ, तो अब मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ अपने रूम में। और कुछ ऐसा रहा मेरा सफ़र, आपको मेरा सफ़रनामा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और देखो यहाँ पे भैया की बत्ती गुल है, पता नहीं क्यों अंधेरा है यहाँ पे। भैया थोड़े से बिजी है, फिर मैं इनसे पूछती हूँ यहाँ पे बत्ती गुल क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। बस मेरे बोलने की देर हुई और देखो भैया की बत्ती गुल से फिर से उजाला हो गया, यहाँ पे रोशन रोशन हो गया। देखो मैंने इतनी देर में, इससे अच्छा मैं थोड़ा आते ही बोल देती कि भैया की बत्ती गुल है यहाँ पे। देखो सीधी लाइट आ गया, हाउ लकी आई एम फॉर भैया। अब भैया पता क्या करते हैं, भैया से जो सामान मांगो ना, भैया आधा सामान डालना भूल जाते हैं, फिर मैं रूम में देखती हूँ और मुझे आधा सामान मिलता ही नहीं है रूम में पहुंच के। ऐसा करते हैं भैया, है ना भैया, ऐसा क्यों करते हो आप भैया। तो अभी मैं सामान ले लेती हूँ। मुझे पहले तो मैंने सोचा था कि रवि भी आएंगे तो हम लोग साथ में यहाँ से जाएंगे, बट उनको काफी टाइम लग जाएगा आते आते, तो अभी मैं यहाँ से सामान लेकर चली जाती हूँ खुद ही रूम। वो तो पहुंचेंगे 10 बजे तक, तो फिर मुझे करना पड़ेगा उनका इंतजार, तब तक मैं खाना वाना बना लूंगी। सो गाइस, अब मैं पहुंच गई अपने रूम में और अब मैं चेंज करने के बाद खाना वाना बनाऊंगी। और इतना ही था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी देखते रहिए अंकिताज वर्ल्ड और देखते रहिए मेरी कहानियाँ, मेरी सैड स्टोरियाँ। बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे।